ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कोरोना की, देश दुनिया में मौत का दूसरा नाम बनकर सामने आई महामारी कोरोना के कई पोस्ट साइड इफेक्ट भी सामने आ रहे हैं। लाखों लोग भले ही कोरोना को मात दे चुके हैं, लेकिन इस बीमारी ने काफी संख्या में मनोरोगी बढ़ा दिए हैं। ये कोई हमारा दावा नहीं है, बल्कि राजस्थान समेत देश भर में कोरोना के मामलों को लेकर जारी अध्ययन की वानगी है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के मौके पर देखिए फर्स्ट इंडिया की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कोविड 19 महामारी ने लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर व्यापक रूप से असर दिखाया है। लोगों में डर, चिंता, अनिश्चितता, असुरक्षा की भावना, हताशा और यहां तक कि कई मामलों में तो अवसाद जैसे गंभीर बीमारी के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे पेशेंट जो कोरोना संक्रमण को हराकर ठीक तो हो गए, वे अब भी इस वायरस द्वारा दी गई दिक्कतों को झेलने पर मजबूर हैं। उनमें आधे से अधिक मरीजों में मानसिक बीमारियां देखने को मिल रही हैं। इसके अगर हम कारणों की बात करें तो देखिए, इसमें पहला प्रमुख कारण अगर हम देखते हैं, जब व्यक्ति आइसोलेशन में रहता है तो आइसोलेशन के दौरान वो इस बीमारी से संबंधित जो इसके नकारात्मक परिणाम है, जो हम जिसको कहना चाहिए डेडली आउटकम है, उन पर उसका फोकस ज़्यादा रहता है और वो उससे कहीं ना कहीं उसमें घबराहट, चिंता और डर पैदा होता है। इसके अलावा इस घबराहट और चिंता के कारण व्यक्ति मल्टीपल कंसल्टेशंस लेता है, वो एक डॉक्टर में फेथ नहीं रख के अलग अलग डॉक्टर से कंसल्टेशन लेता है। और इस बीमारी में चूंकि हर व्यक्ति का एक, हर डॉक्टर का अपना एक ट्रीटमेंट पैटर्न है, एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, तो कहीं ना कहीं जब हम मल्टीपल कंसल्टेशन लेते हैं तो एक भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। तीसरा इसमें महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि जब आप आइसोलेशन में रहते हैं, आपके पास कोई काम नहीं होता है, आपका किसी से फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है और हम चूंकि इस तरह के जीवन जीने के आदि नहीं हैं, तो ऐसे समय में फिर हम अपना पूरा टाइम, अपना जो पूरा कॉन्सेंट्रेशन है, वो जो बीमारी के जो नकारात्मक जो आउटकम है, जो नकारात्मक परिणाम है, उन पर ज्यादा एक्सप्लोर करने में लगाते हैं और परेशान होते हैं। दरअसल कोरोना फाइटर्स ने कोरोना को तो हरा दिया, लेकिन वे अभी भी तनावग्रस्त हैं। इन मानसिक बीमारियों में एंग्जाइटी, इंसोम्निया, डिप्रेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। ज्यादातर रोगियों में नींद न आने की समस्या सबसे अधिक देखी जा रही। इस स्थिति में ये लोग हर समय बेचैनी का अनुभव करते हैं। भारत में 19 करोड़ लोग किसी न किसी मानसिक विकार से ग्रसित हैं। ये आंकड़ा देश की कुल जनसंख्या का लगभग 14.3% है और प्रत्येक 20 में से एक व्यक्ति अपने जीवन काल के दौरान जरूर अवसाद का शिकार होता है। यही हालात पूरी दुनिया के हैं, जिसका परिणाम आत्महत्या के रूप में सामने आता है। दुनिया भर में हर 40 सेकंड में एक आत्महत्या की घटना होती है। कोविड 19 के दौरान जो आम व्यक्ति है, जिस तरह से पैंडेमिक का जिस तेजी से बीमारी फैली है, तो आम लोगों में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भय, चिंता, अनिश्चितता, पैनिक हो जाना, उनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाना, इस तरह की जो मानसिक अवस्था है, इस तरह के जो इमोशंस हैं, वो आना स्वाभाविक है। विशेष रूप से जब कोई व्यक्ति जो कोविड पॉजिटिव आ जाता है और जब वो आइसोलेशन में रहता है, तो इस तरह के मनोभाव उसमें ज्यादा उसको प्रभावित करते हैं। दरअसल कोरोना पीड़ित मरीजों में मानसिक विकार आने के पीछे चिकित्सकों के अलग अलग मत हैं। चिकित्सकों की माने तो आइसोलेशन में अकेले रहने का कारण बीमारी के नेगेटिव आउटकम इफेक्ट ज्यादा रहते हैं। मरीज मल्टीपल मेडिकल कंसल्टेंसी लेता है, जिसके चलते कई बार भ्रम की स्थिति बन जाती है। वही एक संभावित वजह ये भी बताई जा रही है कि कोविड के कारण फेफड़ों में सूजन आती है, जो शरीर के अन्य अंगों की तरफ भी बढ़ने लगती है और ये सूजन दिमाग तक पहुंच जाती है, जिससे उनके ब्रेन की कार्यप्रणाली में बाधा उत्पन्न होती है और उन्हें अलग अलग तरह की मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर हम कुछ छोटे छोटे टिप्स, बड़े सामान्य से टिप्स हैं, उसको अगर व्यक्ति जो आइसोलेशन में रह रहा है वो अगर उसका अनुसरण करता है, तो निश्चित रूप से वो काफ़ी हद तक ये जो तनाव है, जो आइसोलेशन पीरियड का तनाव है, उससे छुटकारा पा सकता है। इसमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको ये समझना चाहिए, ये जो बीमारी है इसमें रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है, बशर्ते हम अपने डॉक्टर्स की सलाह का पालन करें, और इसमें सिर्फ हमको कुछ समय के लिए इंतज़ार करना है और इसमें हम अच्छे से रिकवर हो सकते हैं, इसलिए हमको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, एक हम में ये जो अपराध बोध आता है, जो एक तिरस्कार की भावना आती है कि हमको आइसोलेट कर दिया गया, हमको अलग थलग रख दिया गया है, ऐसा विचार बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये आपकी सुरक्षा के लिए है, बल्कि आपके मन में एक परोपकार की भावना आनी चाहिए कि भाई मैं ना केवल अपने आप को सुरक्षित कर रहा हूँ, बल्कि मैं अपने फैमिली मेंबर्स को, अपनी सोसाइटी को, अपने फ्रेंड्स को भी सुरक्षित कर रहा हूँ। तो अगर आप अपने अंदर ये परोपकार की भावना लाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस जो तिरस्कार का भाव है, इससे दूर हो सकते हैं। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण, जैसा मैंने कारणों में बताया था, आपको मल्टीपल कंसल्टेशन ना करके अपने किसी एक डॉक्टर्स में, डॉक्टर के अंदर फेथ रखना चाहिए, उसकी एडवाइस को फॉलो करना चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़े,
अगर आप ठीक नहीं हो रहे हैं तो आपको उसके संज्ञान में लाते हुए दूसरे डॉक्टर्स के साथ परामर्श करना चाहिए। चौथा इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप आइसोलेशन में रहते हैं तो आपके पास अत्यधिक समय होता है, उस समय का आप सदुपयोग कैसे करें, क्योंकि पहले आपको हमेशा एक ये आप क्रीप करते थे इस चीज़ को लेकर के कि भाई मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। अब आपके पास वो समय है, आप अपने आप को एक्सप्लोर करिए, आपकी जो भी ख्वाहिशें जो पहले अधूरी रही हैं, आप गाना चाहते हैं, आप लिखना चाहते हैं, आप कोई वीडियो बना के शेयर करना चाहते हैं, उन सब एक्टिविटीज़ को आप करिए। इसके साथ साथ आप अपने एक रूटीन बनाइए, अगर आपकी फ़िज़िकल कंडीशन परमिट करती है, डॉक्टर परमिट करता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज हैं, वो आप करिए। और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ एक कम्युनिकेशन बना के रखें, आप उनके साथ सोशल मीडिया को साझा करें, अपनी जो क्रिएटिविटी है, आपने जो भी एक नवाचार किया उसको आप उनके साथ शेयर करें। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण यह भी है कि आपको सोशल मीडिया में कुछ भ्रामक जानकारी भी चलती हैं जो कहीं ना कहीं आपको उद्वेलित कर सकती हैं, कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकती हैं, तो आपको उन भ्रामक जानकारियों से बचना है। एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि ऐसे समय में व्यक्ति परेशानी से बचने के लिए कहीं ना कहीं कई बार नशे की ओर अग्रसर हो सकते हैं, शराब या सिगरेट का नशा कर सकते हैं, हमें ऐसे नशे से बचना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब हम आइसोलेशन में होते हैं तो कई बार हमारा फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ जाता है कि हम अपने फैमिली मेम्बर्स को उस फ्रस्ट्रेशन को निकालने लगते हैं, उनके काम में मीन मेक निकालने लगते हैं। हमें इस बात को समझना चाहिए कि वो भी हमारी बीमारी को लेकर उतने ही चिंतित हैं और खुद के स्वास्थ्य को लेकर के भी वो बहुत चिंतित हैं, तो हमें उनके सपोर्ट का आदर करना चाहिए, उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए और उनके साथ कम्युनिकेशन बना के रखना चाहिए। बहरहाल कोरोना से संक्रमित ना हो सके इसके लिए हाइजीन का ध्यान रखें, खान पान संबंधी सतर्कता बरतें, मास्क और हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। उम्मीद है कि कोरोना पर जीत तो हासिल होगी, साथ ही मानसिक रोग की दिक्कतें भी दूर होगी। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।